Day 7. Day 7 के अंदर हमारा जो कवरअप होने वाला है, यूटिलिटीज के कुछ फीचर्स हैं जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से जब हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो उसको हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम एक पर्टिकुलर सेशन में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, जब हमारी बुक्स कंप्लीट हो जाती है तो हम चाहते हैं कि जब हमारी बुक्स फाइनलाइज हो गई उसके बाद कोई भी पर्सन जो है उसके अंदर कोई चेंजेस ना कर सके। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा फ्रीजिंग, जिसके अंदर हम अपने डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुल्ली या पार्शली फ्रीज कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमें सीखना है, ब्लॉक एंड एक्टिवेट मास्टर्स। ब्लॉक एंड एक्टिवेट मास्टर्स के अंदर क्या होता है, जैसे कभी बार हमारे कुछ मास्टर्स जो है हमें ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम चाहते हैं कि या तो वो हमें शो ही ना हो ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे, या फिर शो हो तो एक मैसेज आ जाए कि दिस मास्टर हैज़ बिन ब्लॉक्ड, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें इससे ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी है। इसी तरीके से इसके अंदर दो फीचर्स और है, वाउचर रेप्लिकेशन और टेम्पलेट्स। जैसे कोई एक वाउचर हमारा हर मंथ रिपीट होता है, हम सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को हर मंथ देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पर मेरा ये वाउचर ऑटोमेटिकली बन जाए, तो उसके लिए हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस मैनेजमेंट। हमने बिल बाय बिल पढ़ा है और इसी तरीके से कई सारे हम ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे जिसके अंदर रेफरेंस क्रिएट होते हैं, तो जिनके रेफरेंस हमारे क्रिएट हुए हुए हैं उन्हें हमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है, या फिर जो रेफरेंसेस हमारे पास क्लियर हुए हुए हैं हमें उन्हें क्लियर करना है, डिलीट करना है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम रेफरेंस मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है बल्क अपडेशन। बल्क अपडेशन का बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि जैसे कि हमने मास्टर्स क्रिएट करे हुए हैं, उस मास्टर्स के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे आइटम के प्राइसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए सारे मास्टर्स के अंदर, सारे आइटम मास्टर्स के अंदर। मैं चाहती हूँ कि सारे आइटम मास्टर्स के अंदर मेरी टेक्स्ट कैटेगरीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिकली मुझे वन बाय वन नहीं करना पड़े, वन गो पे ही मेरे सारे मास्टर्स के अंदर अपडेट हो जाए, तो उसके लिए हम बल्क अपडेशंस पढ़ेंगे जिसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है हमारे आइटम मास्टर के अंदर अपडेट हो जाए। तो ये 5 टॉपिक्स हमें आज कवरअप करने हैं। 5th टॉपिक जो बल्क अपडेशंस है, ये अपने आप में एक फुल फ्लैश टॉपिक्स है, इसके अंदर भी सब डिटेल्स हैं जो हमें कवरअप करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले यूटिलिटीज़ के अंदर आता है हमारा डेटा फ्रीजिंग। तो यूटिलिटीज़ के अंदर जाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यूटिलिटीज़ पे जाएंगे, वहाँ आता है डेटा फ्रीजिंग। डेटा फ्रीजिंग से हमें जो मीनिंग क्लियर होता है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मैंने ट्रांजैक्शंस करी हुई है, मैं चाहती हूँ कि उसको फ्रीज कर दूँ, या फिर मेरी एक फाइनेंशियल चल रहा है 1 अप्रैल 2016, अब ये ख़त्म हो गया 31 मार्च 2017 को, तो मैं चाहती हूँ कि इन बुक्स में कोई भी चेंजेस ना कर सके, तो मैं क्या कर दूँगी, डेटा को फ्रीज कर दूँगी। मैं मास्टर्स पे जाती हूँ, दैट इज़ बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 15,000। स्टॉक के अंदर मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 10,000। अब हम यूटिलिटीज के अंदर डेटा फ्रीजिंग में जाते हैं। ये है फुल करना है या पार्शियल करना है। फुल का मतलब तो क्या होगा, अगर मैंने डेटा फ्रीज कर दिया तो जो पर्टिकुलर डेट दी हुई है उस दिन तक कुछ भी हम एंट्री नहीं कर सकते। मैंने फुल पे क्लिक करा, उसने पूछा कि आपको डेटा फ्रीज करना है, मैंने कहा हाँ फ्रीज करना है, अब पूछ रहा है कब तक का डेटा फ्रीज करना है, तो जिस दिन तक की मैं डेट डाल दूंगी तब तक मैं ना आप कोई एंट्री कर सकते हो ना ही कोई चेंजेस कर सकते हो। मैंने कहा 10/4 तक का डेटा मेरा फ्रीज हो जाए, ओके कर दिया। अब मैं ट्रांजेक्शन में जाती हूँ, 10/4 का एक वाउचर बनाती हूँ,
मेरे पास क्या मैसेज आ गया, डेटा हैज़ बीन फ्रोजन अप टू 10th of April, जिस दिन तक मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है किसी भी पर्सन को कि उसमें चेंजेस ना कर सके, तो हम उसमें फ्रीज कर देंगे। अब ये तो बात हो गई सब चीज़ों की फ्रेज करने की, सेल हुआ, परचेज हुआ, जर्नल हुआ, कॉन्ट्रा हुआ, कोई रिपोर्ट हुई, सब चीज़ों के लिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया। मतलब मैं चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, रिपोर्ट देख सकती हूँ बट चेंजेस नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पे फाइनल रिजल्ट पे गई, मैंने यहाँ पे स्टॉक को चेंज करने की कोशिश करी, तो मैसेज क्या आ गया, डेटा हैज़ बिन फ्रोजन। ये था फुल का कॉन्सेप्ट कि मैं जो स्पेसिफिक डेट दे दूंगी उस दिन तक डेटा फ्रीज हो जाएगा आपका सारा। अब मैंने कहा नहीं, मुझे फ्रीज नहीं करना, मैंने इस पे नो कर दिया, ओके कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ कोई वाउचर ऐड करना तो मैं अब ऐड कर सकती हूँ। अब है पार्शियल, पार्शियल के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि मैं क्या क्या फ्रीज कर सकती हूँ। सारे वाउचर टाइप्स को फ्रीज कर सकती हूँ, ओपनिंग बैलेंस को फ्रीज कर सकती हूँ, आइटम्स के ओपनिंग बैलेंस को फ्रीज कर सकती हूँ, वैट जनरल वाउचर को फ्रीज कर सकती हूँ, जो जो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं इन सबको मैं फ्रीज कर सकती हूँ पार्शली। अब ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज के वाउचर में फ्रीज हो, बाकी और किसी चीज़ के अंदर फ्रीजिंग ना हो। तो मेरे पास ऐसा भी तो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए ना, अगर मैं फुल कर दूंगी तो मैं सब कुछ ही फ्रीज हो गया ना, मैं कहीं भी कोई चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करनी है तो मैं जाऊँगी पार्शियल डेटा फ्रीजिंग पर। इसके साथ हमारा डेटा फ्रीजिंग का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लॉक एंड एक्टिवेट मास्टर। ब्लॉक और डीएक्टिवेट दो टर्म्स है ये, तो पहले हम ब्लॉक पे चलते हैं। ब्लॉक का कंसेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ डेटर्स हैं जिनके साथ अब मेरी डीलिंग जो है ट्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है, मुझे उनके साथ कोई डीलिंग नहीं करनी, अब मुझे इनके साथ डीलिंग नहीं करनी। क्या रीज़न हो सकता है, या तो कोई डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में, या पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, या फिर उन्होंने अपना बिजनेस ख़त्म कर दिया है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टी से मुझे पैसे लेने थे, मैंने गुड्स सेल करी तो ऑब्वियसली मुझे उनसे पैसे लेने हैं, अब उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने उनको क्रेडिट डेज 30 डेज दिए हुए थे, या 30 डेज कंप्लीट हो गए, 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, अभी भी नहीं दिए उन्होंने पैसे। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हम क्या कहेंगे कि ना, जब तक आप हमें पेमेंट नहीं दोगे हम आगे आपके ट्रांजेक्शन्स को परस्यू नहीं करेंगे। तो मैंने क्या करा, अब हम सेल करते हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान नहीं रहता ना कि कौन कौन से वाउचर्स हमारे फ्रीज हुए हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक वार्निंग आ जाए जब हम सेल कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी इतनी सारी पार्टीज हैं, हमें क्या पता है कि किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं करना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि एक वार्निंग आ जाएगी हमारे पास, और जैसे ही वो वार्निंग आएगी हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा कि हमारा जो डेटा है इसके अंदर ये जो मेरी पार्टी है ये ब्लॉक्ड है, तो मुझे इसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। और जब वो पूछते हैं भाई क्यों नहीं करनी है, तो हम उनको रीज़न स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपकी इतनी पेमेंट हमारे पास ड्यू है तो इसलिए आपके मास्टर्स को हमने ब्लॉक करा हुआ है। ब्लॉक और डीएक्टिवेट हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ब्लॉक के अंदर तो ये होता है कि हमें लिस्ट में पार्टीज शो हो रही है, बट मुझे वो मैसेज शो हो जाएगा कि इस पार्टी से मुझे अब ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी, और उसमें क्या रीज़न है, या तो ये रीज़न हो सकता है कि पेमेंट नहीं करी है, या फिर उसने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी है, अच्छे से बात नहीं करी है, मतलब कुछ डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में तो इसलिए हमें उनसे ट्रांजेक्शन नहीं करनी। तो जब हम सेल कर रहे होते तो हमें नहीं पता होता कि हम किसको सेल करेंगे, मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं हमारे, हमें क्या पता कि हमारे पास कौन पर्सन आ रहा है, और हमें बाय फेस किसी को कुछ याद है भी या नहीं है। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है हमने उसके मास्टर को ही ब्लॉक कर दिया कि जब भी इस मास्टर से ट्रांजेक्शन होएगी तो मेरे पास वार्निंग आ जाए। और कुछ होते हैं
डीएक्टिवेट का केस। डीएक्टिवेट के केस में मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जो कि एक फर्म में हम काम कर रहे हैं। अब ए से पार्टनरशिप हमारी ख़त्म हो गई है, मेरी उनसे सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है, तो अब मुझे लिस्ट में अननेसेसरी वो आकर जो है मेरी लिस्ट को बढ़ा रहा है ना, मैंने ट्रांजेक्शन करते करते बाय मिस्टेक मैंने ए पार्टी डाल दी, या फिर मैं आइटम्स को सेल कर रही हूँ तो मेरी कई सारी आइटम्स हैं जिसमें से एक आइटम का स्टॉक को मैंने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि लिस्ट में वो आइटम मुझे शो ही ना हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि वो हमें लिस्ट में शो ही ना हो, ब्लॉक अगर हम करते हैं तो ब्लॉक के अंदर शो होगा, बट जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास वार्निंग आ जाएगी। अब इसे हम वन बाय वन देखते हैं। मैंने कहा ब्लॉक अकाउंट या आइटम, मैंने कहा अकाउंट मुझे ब्लॉक करना है, बिजी इन्फोटेक वाली पार्टी। अब ये कह रहा है कि क्या ये प्रेजेंटली मास्टर ब्लॉक है, मैंने इसमें लिख दिया कि नहीं है ब्लॉक, प्रेजेंट स्टेटस बता रहा है कि वो अनब्लॉक्ड है, ब्लॉक नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ। अब मैंने इसे येस करा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो पार्टी मुझे ब्लॉक करनी है क्या सभी वाउचर्स के लिए करनी है या सिर्फ कुछ सिलेक्टेड वाउचर्स के लिए करनी है, मैंने कहा कि सभी वाउचर्स के लिए करनी है, और रीज़न ड्यू टू नॉन पेमेंट। ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं, सेल्स एड। अब जैसे ही मैंने पार्टी सेलेक्ट करी तो मेरे पास मैसेज आ गया बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज ब्लॉक्ड और रीजन ड्यू टू नॉन पेमेंट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग द मास्टर्स, और यही केस आइटम के लिए भी हो जाएगा। अब मुझे वापस, अब इस पार्टी ने पेमेंट करवा दी हमें, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक मास्टर्स पे जाएंगे, पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है प्रेजेंट स्टेटस इसका ब्लॉक्ड है, तो ये पूछ रहा है मास्टर को ब्लॉक करना है, मैंने कहा मुझे नहीं करना, और यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक मास्टर को नो कर दिया, तो ये हाईलाइट भी नहीं है, डी हाईलाइट हो गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। अब मैं दोबारा से अगर इसका सिनेरियो देखती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये इट्स प्रेजेंट स्टेटस इज अनब्लॉक्ड, और यहाँ से मैं लिस्ट भी देख सकती हूँ कि मेरे कितने मास्टर्स जो है ब्लॉक्ड है। ये लिस्ट ऑफ ब्लॉक मास्टर है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे मास्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो जो से मास्टर्स मैंने ब्लॉक करे हुए हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, किस किस वाउचर टाइप के लिए और क्या उनका रीज़न है। अब डिस्प्ले के अंदर जाते हैं हम, ट्रांजेक्शन्स में जाके मैं इसकी ट्रांजेक्शन करती हूँ विजी इन्फोटेक, तो अब इसने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं इस पार्टी से ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। अब सेम कॉन्सेप्ट जो है डीएक्टिवेट मास्टर्स का, डीएक्टिवेट में मैंने आपको क्या बताया कि वो हमें लिस्ट में शो ही नहीं होगा। इसका यूज़ हमारे पास कब होता है कि जब एक प्रोडक्ट से हमारी डीलिंग ख़त्म हो जाती है, एक प्रोडक्ट को हमने सेल परचेज करना बंद कर दिया है, वो अब हमारे यूज़ में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अननेसेसरी वो हमारी लिस्ट में ना आए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जिन पार्टी से अब हमारी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है, हमारी उनसे जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, हमारा बिजनेस उनसे ख़त्म हो चुका है, तो उस सिचुएशन के अंदर उसके उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो हमें लिस्ट में दिखाई ना दे। जब हमें दिखाई नहीं देंगे तो हम उनसे ट्रांजेक्शन्स भी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे अकाउंट डाला, मास्टर का नाम डाल दिया बिजी इन्फोटेक, डीएक्टिवेट करना है, आई सेड यस, प्रेजेंट स्टेटस इसका एक्टिव, अभी ये प्रेजेंटली एक्टिव है, डीएक्टिवेट करना है, तो मैंने उसको यस कर दिया और सेव कर दिया। अब ये थी पार्टी बिजी इन्फोटेक, इसको हम चेक करते हैं। अभी तक हमारे पास यहाँ पे ये पार्टी शो हो रही थी और अब हमें शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने उसको अपनी लिस्ट से हटा दिया है। अब मैं यूटिलिटीज के अंदर जाकर देखना चाहूँ कि मेरे कौन कौन से मास्टर डीएक्टिवेट है, तो मैं कैसे देख सकती हूँ, मास्टर टाइप पे अकाउंट लिया और लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेट मास्टर पे क्लिक कर दिया। अब इसको वापस हम एक्टिव कर देते हैं।
ब्लॉक हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट हमारा रेफरेंस मैनेजमेंट। रेफरेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, हम सबने बिल बाय बिल पढ़ा है। बिल बाय बिल का क्या कंसेप्ट होता है कि जब हम किसी से परचेज कर रहे हैं या उन्हें पेमेंट कर रहे हैं या फिर उन्हें सेल कर रहे हैं और उनसे रिसिप्ट कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर ट्रैक रहे, बिल बाय बिल मैं ट्रैकिंग रख सकूं कि मुझे किस बिल के अगेंस्ट मैंने कितनी सेल करी है और कितनी अमाउंट मेरी उससे एडजस्ट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, मैंने ए पार्टी से 10,000 की सेल करी बिल नंबर 1 से, फिर 5,000 की करी बिल नंबर 2 से। अब टोटल सेल्स हो गई उसकी 15,000 रुपये की बिल नंबर 1 और बिल नंबर 2 से। अब जब मुझे अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 12,000 रुपये, तो मुझे ट्रैक रखना है कि जो 12,000 रुपीज़ मेरे पास रिसीव हुए हैं वो किस बिल से हुए हैं। इनका 12,000 रुपीज़ जो मुझे रिसीव हुए उसमें से 10,000 जो है बिल नंबर 1 से रिसीव हुए हमें और 2,000 बिल नंबर 2 से। तो मेरे कौन से बिल के पैसे पेंडिंग है, बिल नंबर 2 के। बिल नंबर 2 के मेरे पास 3,000 रुपीज़ पेंडिंग है। तो मुझे अगर बिल बाय बिल ट्रैकिंग मिल जाए, बिल बाय बिल मैं रिकॉर्ड देख सकूं कि किस बिल से मेरा कितना अमाउंट पेंडिंग है, उसके लिए हम बिल बाय बिल का यूज़ करते हैं। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो कि बिल बाय बिल क्या है। अब इसमें जब हमने देखा था ये बिल बाय बिल का ट्रैक हमें कैसे पता लगता है, जब हम उसके अंदर रेफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर मैं उनसे नई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम परचेज कर रही हूँ या फर्स्ट टाइम सेल कर रही हूँ, तो मेरा रेफरेंस बनेगा न्यू रेफरेंस। मेरी वो ट्रांजेक्शन उनसे चल रही है, मैंने दोबारा उनको सेल कर दिया उन्हीं पार्टी को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई नया रेफरेंस मत बनाओ, जो मैंने पहले आपसे सेल करी थी उसी के अंदर मेरे इस बिल के अमाउंट को ऐड कर दो। तो इट मीन्स कि जब मेरे बिल नंबर 1 10,000 रुपीज़ का था, नेक्स्ट बिल जब उनका 5,000 रुपीज़ का रेज हुआ, उन्होंने कहा उस 5,000 को भी उसी में ऐड ऑन कर दो। तो दैट इज़ कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ अपेंड। वो अपेंड हो गया, उसी बिल में अपेंड हो गया ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जो मेरे रेफरेंसेस बने हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड न्यू रेफरेंस, अपेंड और एडजस्टमेंट। तो ये जो मेरे रेफरेंसेस बने हुए हैं, मुझे इन सारे रेफरेंसेस को अगर ख़त्म करना है, या फिर मैंने रेफरेंसेस पहले से नहीं बनाए हुए बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं रेफरेंसेस बनाऊँ, तो उसके लिए मैं ऑटो एडजस्ट रेफरेंस का यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड, इसको भी हम स्टडी करेंगे अभी। तो पहला अभी हमने देखा क्लियर रेफरेंस, मेरे पार्टीज के रेफरेंसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, मुझे चाहिए कि उनके रेफरेंसेस को ख़त्म करना है, जो उन्होंने न्यू रेफरेंस करके बनाया हुआ है या अपेंड करा हुआ है, रेफरेंस नंबर 1 2 3 वट एवर बी दैट, जो जो रेफरेंसेस बनाए हुए हैं मुझे वो क्लियर करने हैं। तो क्लियर रेफरेंसेस पे जाएंगे हम। और मुझे अगर ऑटो जनरेट करने हैं, अपने आप जनरेट करने हैं, तो ऑटो जनरेट रेफरेंस पे। अब कैसे ये यूज़ होता है हम चेक करते हैं। पहले हम बिल बाय बिल को येस करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अनेबल्ड होता है। बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैंने इसके मास्टर में बिल बाय बिल को येस कर दिया, सेव किया। का यहाँ 5 क्वांटिटीज़ को मैं सेल कर रही हूँ, नीचे विंडो आ गई बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट न्यू रेफरेंस, और ये रेफरेंस बन गया। अभी इसके अंदर बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें रेफरेंसेस का बन चुका है। मैं अगर देखना चाहूँ डिस्प्ले के अंदर जाते हैं हम, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे शो हो गया मेरा रेफरेंस। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये रेफरेंस ख़त्म करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, यूटिलिटीज़ रेफरेंस रेफरेंस मैनेजमेंट क्लियर रेफरेंस बिल वाइज रेफरेंस, मैंने कहा 1 अकाउंट बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओके। यू हैव चूजन टू डिलीट ऑल द बिल वाइज रेफरेंस फॉर द अकाउंट्स मैंशनड, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। इसमें ये बता रहा है कि जो आपने रेफरेंसेस बनाए हुए हैं, नाउ यू वॉन्ट टू डिलीट दोज रेफरेंसेज, सो वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, आई सेड येस, ओके। अब हम वापस जाते हैं,
आई डोंट हैव एनी रेफरेंस, क्योंकि वो रेफरेंस तो ख़त्म हो गया। हम वाउचर में जाकर देखे, वाउचर में गई, यहाँ पे क्या हुआ, विंडो ओपन हुई है बट वो रेफरेंस ख़त्म हो चुका है। आप देख पा रहे हो इसके अंदर कोई रेफरेंस नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, इट मीन्स कि मेरा रेफरेंस ख़त्म हो गया। बट अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो रेफरेंसेस मैंने क्यों ख़त्म करे, क्योंकि वो बहुत मिसमैच हो रहा था, कुछ रेफरेंसेस गलत बन गए थे, कुछ सही बन गए थे। अब मैं ये चाहती हूँ कि रेफरेंस ऑटोमेटिकली बन जाए। मैं गई ऑटो एडजस्ट रेफरेंस पे, वेलवाइज रेफरेंस ऑल अकाउंट किया। अब इसने क्या, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो रेफरेंस क्रिएट कर देगा। मैंने ओके किया, इसने कहा ये आप चूज़ कर रहे हो ऑटो एडजस्ट ऑल द वेल रेफरेंसेस। तो ऑटो एडजस्ट का मतलब क्या होगा, ये किस पे करेगा, फीफो बेसिस पे, जो पहले आया है वो पहले आउट होगा। तो इसी तरीके से वो रेफरेंसेस को क्रिएट करेगा। उसने रेफरेंस क्रिएट कर दिया। हम वापस चलते हैं सेल के अकाउंट में, सेल वाउचर में। अभी आपने देखा था कि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं था, जब हमने रेफरेंसेस को क्लियर कर दिया था, तो क्या कोई रेफरेंस था यहाँ पर? नहीं था। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, रेफरेंसेस इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। तो ये कंसेप्ट होता है ऑटो एडजस्ट रेफरेंस विजार्ड का। इसका बेसिक यूज़ तभी होता है कि जब हमने रेफरेंसेस क्रिएट नहीं करे हुए तब क्रिएट करने हो, या फिर हमने जो रेफरेंसेस क्रिएट हुए हैं करे हुए हैं उसमें कुछ मिसमैच है, मुझे स्टार्टिंग से अपने रेफरेंसेस बनाने हैं, तो पहले मैं सारे रेफरेंसेस को क्लियर करूँगी और देन आई विल गो फॉर ऑटो एडजस्ट रेफरेंस। रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो जो हमारे पास रेफरेंस है, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड पे गए, मैं बिल रेफरेंस किया, मैंने कहा मुझे सारे बिल्स दिखा दो या फिर जो कि क्लियर नहीं हुए। अनक्लियर पे क्लिक किया, पार्टी सिलेक्ट करी, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल दी। अब यहाँ पर मेरे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि मेरे पास ऑन अकाउंट में कितने पड़े हैं। ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑन अकाउंट ये होता है कि मैंने बिल बाय बिल येस तो कर दिया, बट जो विंडो है उसके अंदर रेफरेंस नहीं बना हुआ, विंडो के अंदर रेफरेंस नहीं बना हुआ, तो इट मीन्स कि दैट इज़ इन अवर ऑन अकाउंट। इसका मैंने बिल बाय बिल अनेबल किया हुआ है बट रेफरेंस नहीं बना हुआ, तो वो हमारी ऑन अकाउंट एंट्रीज होती है। उसके नीचे है न्यू रेफरेंस और नीचे है एडजस्टमेंट। ऑन अकाउंट एंट्रीज के अंदर जब हम रेफरेंस करते हैं, जब विंडो ओपन करते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ पे ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं होता है, नीचे लिखा होता है ऑन अकाउंट एंट्रीज। इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं, एक ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं। मेरे पास रेफरेंस बना हुआ आ रहा है बट मैंने रेफरेंस यहाँ पे नहीं डाला, लेट्स से तो नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, ऑन अकाउंट ₹100। ये जो मेरा बिल है वो कहाँ पे आएगा, ऑन अकाउंट एंट्रीज के अंदर आएगा, मेरे बिल रेफरेंस के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं है इसमें। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट में देखती हूँ, अगर आप लोगों ने रिपोर्ट्स चेक करी होगी तो वहाँ पर शो होता है ऑन अकाउंट एंट्रीज, तो जो रेफरेंसेस मेरे क्रिएट नहीं होते वो कहाँ जाते हैं, ऑन अकाउंट एंट्रीज के अंदर। मैंने पार्टी सिलेक्ट करी, यहाँ पे आ गया ऑन अकाउंट रेफरेंस, बट मुझे इसका रेफरेंस क्रिएट करना था। अब मैं यहाँ दे जाती हूँ रेफरेंस विजार्ड के अंदर, अनक्लियर ओपन कर दिया। अब यहाँ दिखा दिया उसने कि मेरे ऑन अकाउंट के अंदर तो ये आ रहा है, ऑन अकाउंट एंट्रीज के अंदर ₹100 है, दो नए रेफरेंस बने हुए हैं, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि ये जो वाउचर है मुझे इसको यहाँ पे नया रेफरेंस क्रिएट करना है, तो मैंने इसको ड्रैग करके मुझे लेके आना होगा। तो इसने कहा कि वुड यू लाइक टू एडजस्ट और क्रिएट न्यू रेफरेंस, मतलब मुझे इन्हीं के साथ जोड़ना है इनको या नया रेफरेंस क्रिएट करना है। मैंने कहा मुझे नया रेफरेंस क्रिएट करना है, रेफरेंस नंबर 2 के नाम से, ड्यू डेट ये है, अमाउंट ये है, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट सिलेक्टेड ऑन अकाउंट एंट्री इन न्यू रेफरेंस। तो जो न्यू रेफरेंस था वो मैंने एक नई एंट्री बना दी। आई सेड यस, हो गया ये।
अब मुझे ये वाली जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के लिए क्या होगा, मैं ओपनिंग बैलेंस पे गई, यहाँ पे आ गई। इस तरह कोई एडजस्टमेंट क्रिएट नहीं हो सकती। प्लीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन अकाउंट एंट्रीज ओवर न्यू रेफरेंस टू क्रिएट एडजस्टमेंट्स। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एडजस्टमेंट किससे होगा, हमने कोई भी एंट्री तो पास करी नहीं हुई, ना मैंने रिसिप्ट दिखाई हुई है, ना मैंने पेमेंट दिखाई हुई है। चलो हम वापस चलते हैं ट्रांजेक्शन्स पे। मैं बिल्कुल मैं ब्लैंक रख रही हूँ, सेव कर दिया। ये मेरी ऑन अकाउंट एंट्रीज के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको एडजस्ट करना है। मुझे क्या करना है, एडजस्ट किसको करना है, बिल नंबर 2 को। बिल नंबर 2 को मुझे क्या करना है, इसमें एडजस्ट करना है। मैंने इसे ओके करा। नाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट सिलेक्टेड न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट एंट्री कंटिन्यू। मैंने सिलेक्टेड रेफरेंस को इससे एडजस्ट कर दिया, ये ऑन अकाउंट से। आई सेड यस। अब ये जो अमाउंट हो गई मेरी, इसके अंदर एडजस्ट हो गई। वह चेक कर लेते हैं, सेल रिसिप्ट के वाउचर पे जाते हैं, 1600 रुपीज़। तो जो मेरा सेकंड नंबर बिल था वो 100 रुपीज़ से था सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पे इसने कितने एडजस्ट करे, 100 रुपीज़। अभी भी कितने रुपए एडजस्ट होने रह गए मेरे, 1500 रुपये। ऑन अकाउंट कितने आ रहे हैं, 1500 रुपये। वापस जाते हैं, यहाँ पे 1500 रुपीज़ आ रहे हैं। मुझे अब इसको एडजस्ट करने हैं, तो मुझे किससे एडजस्ट करूँगी, ओपनिंग बैलेंस से। उसी के अंदर पूरा अमाउंट है, मैंने इसे क्लिक करा और यहाँ पे कर दिया। अब मुझे किससे करना है, ओपनिंग बैलेंस से। ओके किया, यस। तो ये मेरा पूरा का पूरा बिल एडजस्ट हो गया। तो एडजस्ट होने के बाद मेरी एंट्रीज कहाँ जाएगी, नीचे एडजस्टमेंट और अप एंड रेफरेंस में। क्विट। अब हम चेक करते हैं, दो नंबर रेफरेंस से 100 रुपये एडजस्ट हो गए और बाकी 1500 रुपये। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ऑब्वियसली जब हम सेल कर रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम हो जाता है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है कि जब हम बिल्स बना चुके हैं और हमने बिल बाय बिल मेंटेन नहीं किया था, या फिर जब एंट्रीज करी है तो पार्टी को नहीं पता था कि बिल बाय बिल नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम इस तरीके से भी ट्रैक रख सकते हैं, तो उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है कि बाद में हम देख सके रिपोर्ट्स को, तो इसको एडजस्ट करने की। अदरवाइज़ जब हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट हम वहीं पे साथ साथ एडजस्ट करते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारा किस बिल के ऊपर कितना आउटस्टैंडिंग है। मैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर जाके अपनी पूरी रिपोर्ट देख सकती हूँ, कितना मुझे अमाउंट रिसीव होना है। मैंने बिल रिसीवेबल देखा, क्या देखना है मुझे, पेंडिंग देखना है, ड्यू देखना है या सारी देखनी है, किस दिन तक का देखना है, सारी रिपोर्ट्स जो है, बिल एडजस्टमेंट की डिटेल्स भी देखनी है मुझे। मैंने इसको यस कर दिया, बता दिया उसने ओपनिंग बैलेंस इतना है, सेल इतनी करी हुई है और जो रिसिप्ट हुए एडजस्ट हो गए हैं 1500 रुपये। दैट्स इट। तो ये होता है रेफरेंस मैनेजमेंट का यूज़, कि जब हमने बिल बनाते टाइम या पेमेंट करते टाइम या रिसिप्ट करते टाइम हमने रेफरेंसेस को एडजस्ट नहीं किया है या क्रिएट नहीं करा है, देन आई कैन एडजस्ट और क्रिएट दोज रेफरेंसेस इन अ बल्क। मैं इसे बल्क में क्रिएट कर सकती हूँ, बल्क में डिलीट कर सकती हूँ और बल्क में उसमें एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस मैनेजमेंट।